क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव जी को किसने दिया था शक्तिशाली त्रिशूल, डमरू और नाग? भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र के ज्ञाता है। पौराणिक कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती जी प्रकट हुई, तभी उन्होंने अपनी वृणा से इस सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस समय डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत है। दोस्तों, लेकिन फिर भी भगवान शिव जी के पास शक्तिशाली त्रिशूल और नाग कैसे आया? इस रहस्य को पूरा जानने के लिए फुल ऑडियो का लिंक मेरे चैनल के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा।